हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन कॉइल चार्जेस। आज का टॉपिक हमारा रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमें किसी भी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रिपेयर करना है। तो आइए बात करते हैं फर्स्टली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलम्स अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, हमारा टू चार्जेस के लिए था और उसके अकॉर्डिंग हमें ये आर्टिकल कंप्लीट करना है। और बट उससे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे ही हमारे पास कोई फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, और उस कूलम्ब फोर्स को हम किसी टेस्ट चार्ज, इसे हम कहेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, और इसे सॉल्व करते हैं हम क्यों से, क्लियर। देखिए था टेस्ट चार्ज, तो जब भी हम कोई फोर्स किसी टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस समय जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होती है, और E वेक्टर यही था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E वेक्टर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्लियर। तो जब भी हमें किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई बल परीक्षण आवेश के ऊपर हम उसको आपतित करते हैं और उन दोनों का अनुपात रेशो हम लेते हैं, तो उस अनुपात को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। द रेशियो ऑफ द कूलम्ब फोर्स कोरस्पोंडिंग टू द टेस्ट चार्ज, देन दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। हमने यहाँ पे कंडीशन लिए हैं, कंडीशन देखते हैं, लेट फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। हमने माना कि हमारे पास कोई बल है, बल कौन सा बल है? कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स है हमारे पास, उसको हमने आपतित किया इसके ऊपर किसी भी परीक्षण आवेश के ऊपर, मीन्स टेस्ट चार्ज के ऊपर हमने उसको अप्लाई कराया, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, क्लियर। और इसको हमने इक्वेशन नंबर वन के एक अकॉर्डिंग यहाँ पे शो किया हुआ है, क्लियर। और जिस डायरेक्शन में आपका कूलम्ब फोर्स जो आप अप्लाई करोगे उसकी डायरेक्शन जो होगी, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्लियर। मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो लगाए गए बल की दिशा के क्या होगी, दिशा में ही कार्यरत होगी, क्लियर। और अगर हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी, इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। मीन्स अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो उस समय विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी,
विपरीत दिशा में कार्य करेगी लगाए गए बल के, क्लियर। और इसको हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एक बार डिफरेंट राइट कर लेते हैं। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर, और तो उस समय उन दोनों का जो रेशो है इलेक्ट्रिक फोर्स कोरस्पोंडिंग टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने सो दिया है इक्वेशन नंबर ए से, फॉर्मूला हम लेंगे ए वेक्टर इक्वल एफ फैक्टर अपॉन क्यू नॉट, और दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, और अगर हमने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट में हमने आपको पता है फोर्स है हमारे पास, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एमपीएस सिस्टम में, और कूलम का जो हमारे पास यूनिट है, सॉरी चार्ज का जो यूनिट है हमारे पास वो लिया था हमने कूलम, ठीक है। तो दिस इज द न्यूटन पर कूलम, या इसको मॉडिफाई करेंगे वोल्ट पर मीटर भी, इसका ही क्या होता है मात्रक होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र अगर हमें फाइंड करना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो हो जाएगा फर्स्टली हमारे पास फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और कूलम के लिए होता है ए टी, हमने ये बताया हुआ है फर्स्ट टॉपिक में। तो इनको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी एम ए टी पावर माइनस वन एल टी माइनस थ्री। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको डेफिनेशंस और इसका ये एक्सप्रेशन देना है, अभी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एज ए डेरिवेशन, स्पेशल सी ए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट चार्जेज हमें बताना है, किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें बताना है, क्लियर, याद करना है, क्लियर। तो इसके लिए हमने फिगर नंबर वन ड्रॉ किया हुआ है, आगे देखते हैं फिगर नंबर वन। फिगर नंबर वन में हमारे पास कोई टू चार्जेज हैं, फर्स्ट हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज और सेकेंड हमारे पास है क्यू नॉट चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज, क्लियर। और हमारे पास जो चार्ज है क्यों उसको हमने रखा पॉइंट ओ के ऊपर प्लेस किया, और क्यों नोट पॉइंट पी के ऊपर प्लेस है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और हमें इस टेस्ट चार्ज क्यों नोट के लिए या के ऊपर इस पॉइंट पी पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है। जैसे हमने कल डेरिवेशन किया था कूलम्स फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दिया था कि हमारे पास कोई टू चार्जेज हैं, सेपरेट चार्जेज क्यू वन एंड अदर इज द क्यू टू, क्लियर। तो उनको हमने रिप्लेस करके डेरिवेशन के लिए यहाँ पे क्यू वन को लिया हमने प्लस क्यू पॉइंट ओ के ऊपर है, और क्यू टू को लिया हमने क्यू नॉट दिस इज द टेस्ट चार्ज, और ये पॉइंट पी के ऊपर है, क्लियर। और इस पॉइंट पी पे बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू द टेस्ट चार्ज क्यों नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं, और इनके ऊपर अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स भी हमने शो किया हुआ है, क्लियर। तो इस प्रकार फिगर नंबर वन में हमने इसको ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस हमने लेट अस की है। लेट अस कंसीडर चार्ज क्यों ऑन पॉइंट ओ, हमारे पास कोई आवेश है उसको हमने बिंदु ओ के लिए है, एंड फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यों के लिए, क्लियर। लेट द टेस्ट चार्ज क्यों नोट एट पॉइंट पी, और हमने माना कि बिंदु पी पे परीक्षण आवेश भी क्या है प्रेजेंट है उपस्थित है, राइट। तो इस कंडीशन में हम पहली कंडीशन देंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसको हम कहेंगे कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा आएगा एफ इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। ये हमने कल
एक्सप्रेशंस कूलम्स के लिए दिया था, दिस इज द कूलम फोर्स। हमारे पास टू चार चीजें क्यों क्यों टू अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशंस आपको इस प्रकार फॉर्मेट करने हैं कूलम्स फोर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो इक्वेशन वन को फॉर्मेट करने के बाद हमने कंडीशंस ले लिए हैं, दिस इज द कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आएगा हमारे पास अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। जब हमारे पास कोई भी वैक्यूम या एयर होता है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कूलम फोर्स के लिए, और ये हमारे पास टू सेपरेटेड चार्जेज हैं क्यू वन क्यू टू, और अगर ये दोनों चार्जेज डिस्टेंस आर इनके बीच हैं और ये किसी वैक्यूम या एयर में प्लेस हैं, तो तब हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बनती है। अगर हम इन दोनों चार्जेज को क्यू वन और क्यू टू को निर्वात या वायु में ना रखें, कहाँ रखें, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक हमारे पास कोई भी अगर सब्सटेंस है परावैद्युतांक पदार्थ हैं, अगर उनके बीच हम इनको रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन वन को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा एफ फैक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अब हमने इन दोनों चार्जेस को कहां प्लेस कराए हैं, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब्सटेंस में, क्लियर, किसी भी परावैद्युतांक पदार्थ में या कुचालक पदार्थ में हमने इनको रखा है, जैसे कांच आपका मोम और तेल ईटीसी, ये हमारे पास कोई कुचालक पदार्थ है, इनके बीच हमने इन दोनों आवेशों को रखा है और हमें कूलम्ब फोर्स का जो एक्सप्रेशन है एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ऑप्शन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर ये आपकी आ जाएगी टू, क्लियर। उसके बाद हमें शो किया है वीएल के इज द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, ये क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये एक विमाहीन नियतांक है और इसे ही हम क्या कहेंगे, डाइइलेक्ट्रिक, क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीन्स परावैद्युत, इसे कहेंगे हम परावैद्युतांक, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है, दिस इज द कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, इस फिगर नंबर वन में हमारे पास दिस इज द पॉइंट पी और इस पॉइंट पी के ऊपर टेस्ट चार्ज क्यों प्लेस है, और इसके लिए हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वेशन ए हमने फॉर्मेट की थी, पी वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, क्लियर। और ये आपका जो टेस्ट चार्ज है ये ऑलवेज पॉजिटिव आपको लेना है, और इस इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर ए में हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू से एफ की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन ए, और इसके साथ साथ हम क्यू वन को लेंगे प्लस क्यू और क्यू टू को लेंगे क्यू नॉट, क्लियर। इनकी वैल्यू के साथ साथ हम चेंज करेंगे और फंक्शन बनेगा हमारे पास ई वेक्टर इक्वल और एफ वेक्टर की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू हमारे पास क्यू वन की वैल्यू है क्यू इनटू क्यू टू हमारे पास क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, और फॉर्मूले में हमारे पास एक ऑलरेडी टेस्ट चार्ज भी है क्यू नॉट, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इस प्रकार फॉर्मेट की, अब इसको सोल्व करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और फंक्शन बनेगा ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन नंबर फोर को फॉर्मेट किया, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो हमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन, तो फंक्शन बनेगा ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर फिफ्थ और ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किसी भी पॉइंट चार्ज पी पे, क्लियर। और ये
ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑन पॉइंट चार्ज पी. और इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रहेगी ओर टू पी. जो हमारे पास डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रहेगी ओर टू पी. फिगर वन में आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर हमने चार्ज सपोज दैट ये हमारे पास चार्ज नेगेटिव क्वालिटी का है नॉट ए पॉजिटिव क्वालिटी, तो उस समय डायरेक्शन रहेगी हमारी पी टू ओ. कैसी रहेगी? पी टू ओ फॉर द नेगेटिव चार्ज. और हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन रहेगी ओ टू पी. दिस इज द फॉर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इस प्रकार हम अपना जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे उसको शो कर सकते हैं. और इस इक्वेशन को हमने अगेन मॉडिफाई किया है. कल हमने ये वैल्यू फाइंड की थी मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली 9×10⁻¹. तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी और इक्वेशन नंबर 6 को मॉडिफाई किया. E वेक्टर इक्वल 9×10⁻¹ क्यूब होल आर स्क्वायर. और हम इक्वेशन 6 को मॉडिफाई कर सकते हैं E वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस. क्लियर, तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 एंड 7 ये आपके क्या है? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट चार्जेस. क्लियर, तो इस टाइप से आपको अपना डेरिवेशन करना है. और आइए एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्टली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशो है कोरस्पॉन्डिंग टू द टेस्ट चार्ज E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. और ये वेक्टर क्वांटिटी है और क्यू नॉट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आपको लेनी होती है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है. क्लियर, और E वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के सेम होती हैं. बट अगर हमने चार्जेज को नेगेटिव लिया है तो उस समय डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फोर्स से. क्लियर, उसके बाद हमने किसी भी पॉइंट पी पे हमें कोई भी टेस्ट चार्ज लिया है क्यों नॉट और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. और हमने पॉइंट ओ पे लिया है टेस्ट सिंपल चार्ज क्यों और पॉइंट पी पे हमारे पास क्यों नॉट, तो इनके बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं. तो हमने फर्स्टली फाइंड किया कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स. इक्वेशन नंबर 1 हमें इस प्रकार उत्तर मिल जाएगी 1.4 ε₀ q√ρ² इसको हमने कल वैक्यूम और एयर के लिए लिया था. बट अगर हमारे बोथ चार्जेस किसके बीच प्लेस हैं? किसी कुचालक पदार्थ के बीच प्लेस हैं जैसे कांच मोम तेल आदि, तो उस समय डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ जाएगा कैपिटल के. ठीक है, और इसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, राइट. तो उसके बाद इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. हम H की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से और हम इसको सॉल्व आउट करेंगे. और सॉल्व आउट करने के बाद इक्वेशन नंबर हमें मिलेगा 4 1.4 ε₀ k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 है हमारे पास तो उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास E वेक्टर इक्वल 1.4 ε₀ इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑन पॉइंट चार्ज. तो ये इक्वेशन 5 क्या है? किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पी पे विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक व्यंजक है. इसकी अनदर टर्म्स इक्वेशन नंबर 6 में और इक्वेशन नंबर 7 में हमने शो की है. ठीक है, तो ये था आपका आज का शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ डेरिवेशन. और ये जो भी आपको प्रॉब्लम इस टॉपिक में आएंगे वो बाय कमेंट्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.